सुशील कुमार जी सुरेखा जी कार्यक्रम के अध्यक्ष कार्यक्रम के मुख्य आयोजक श्री सुशील कुमार जी सुरेखा कार्यक्रम के मुख्य अतिथि अध्यक्ष महोदय श्री कृष्णलाल जी पुजारी का साल उड़ाकर स्वागत कर रहे हैं। मुख्य अतिथि संतोष बाबू जी इंदौरिया का साल और उड़ाकर के स्वागत करेंगे श्री सुशील कुमार जी सुरेखा। वरिष्ठ चिकित्सक श्री राधेश्याम जी पारिक का स्वागत कर रहे हैं सुशील जी सुरेखा जी। राजा जी भादौरिया का स्वागत कर रहे हैं सुशील जी सुरेखा। आपका भी स्वागत की श्रृंखला में स्वागत कर रहे हैं। वरिष्ठ पत्रकार श्री पवन जी माटोले जी का स्वागत कर रहे हैं सुशील जी। तो हमारे वरिष्ठ के श्री राधेश्याम जी पारिक यहाँ विराजमान हैं और थोड़ी देर में वो इलाज प्रारंभ करेंगे। जिस किसी भी भाई को भी कोई भी तकलीफ हो तो वो यहाँ इलाज करवा सकते हैं और आगे भी इस कार्यक्रम को बढ़ाने के लिए जो भी अपने से संबंधित व्यक्ति हो जिनके भी किसी तरह की परेशानी हो उनको इस बात से अवगत कराएं। 11 दिवसीय ये प्रोग्राम है, 1 से लेकर 11 तारीख तक लगातार ये प्रोग्राम चलेगा, 9 बजे से लेकर 2 बजे तक। तो यहाँ आकर के अपना इलाज कराएँ और स्वास्थ्य लाभ प्राप्त करें। धन्यवाद। तस्मै श्री गुरुवे नमः। संपद शक्ति माता की जय हो। आज के कार्यक्रम के अध्यक्ष महोदय श्री इंदौरिया जी कंदोई जी आप पधारे हुए सभी भाइयों, बड़े सौभाग्य की बात है मेरे लिए कि सती संपद शक्ति शक्ति माता की कृपा से सेवा करने का एक सुअवसर श्री सुशील जी सुरेखा ने दिया। मैं समस्त रोगों का इलाज प्राकृतिक चिकित्सा से ही करता हूँ। अब प्राकृतिक चिकित्सा क्या है? प्राकृतिक चिकित्सा पंच महाभूतों की, हम इसको बोलते हैं षटक्रम चिकित्सा। पंच महाभूत में मिट्टी हवा पानी अग्नि आकाश तत्व, इन सभी तत्वों का जो संरक्षण हो रहा है वो राम नाम के हिसाब से होता है। सबका कंट्रोल राम जी के पास है। तो प्राकृतिक चिकित्सा में मैं समस्त रोगों का इलाज बिना किसी दवाई के करूँगा। और प्राकृतिक चिकित्सा तो एक बहुत सरल चिकित्सा पद्धति है। इसमें इलाज के साथ साथ रोगी प्रतिष्ठित भी हो जाता है, वो स्वयं दूसरे का भी इलाज कर सकता है। कैसे? क्योंकि हम उसको इतना कुछ सिखा देते हैं उसके शरीर के हिसाब से कि वो दूसरे को भी गाइड कर सकता है, अपने परिवार को भी गाइड कर सकता है। तो प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा एक निर्दोष चिकित्सा पद्धति है। ये चिकित्सा केवल व्याधियों का ही विज्ञान नहीं है, एक स्वास्थ्य का विज्ञान है। प्राकृतिक चिकित्सा में मनुष्य स्वस्थ और दीर्घ जीवी बनता है। प्राकृतिक चिकित्सा में बहुत सी चीज़ें ऐसी है जो किसी भी प्रकार का इस शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं देती।
प्राकृतिक और आयुर्वेदिक जो चिकित्सा पद्धति है ये बहुत पुरानी चिकित्सा है, जब से सृष्टि बनी है तभी से है। तो आज पूरे संसार में प्राकृतिक और आयुर्वेदिक चिकित्सा का जो इलाज हो रहा है वो सिर्फ भारत की देन है। क्यों? सब शुरुआत में सृष्टि बनी थी तो इसका प्रादुर्भाव कैसे हुआ? ब्रह्मा जी ने किया था, ब्रह्मा जी ने अपने शिष्य मनु को दिया और मनु ने अपने शिष्य अश्विनी कुमारों को इसका ज्ञान दिया। तो अश्विनी कुमार तो देवताओं का इलाज करने में वहीं तक रह गए। तो फिर ब्रह्मा जी ने सोचा भाई जो सृष्टि बन रही है इनमें जो रोग फैल रहा है उसका इलाज कौन करेगा? तो अश्विनी कुमारों को आदेश दिया और उन्होंने भारद्वाज ऋषि को इसका ज्ञान दिया, प्राकृतिक का और आयुर्वेद का। क्योंकि भारद्वाज ऋषि ने सब ऋषियों से इनका ज्ञान देके हर व्यक्ति को प्रगति से जोड़ने की कोशिश की और अपने पूर्वज भी प्रगति पर ही निर्भर थे। प्रगति के अंदर हवा मिट्टी पानी का जो है अपने पुरुषों को बहुत ज्ञान था, वन औषधियों का बहुत ज्ञान था, तो उनका शरीर पे कोई दुष्प्रभाव नहीं था। लेकिन आधुनिक चिकित्सा पद्धति में दवाइयों का इतना दुष्प्रभाव हो रहा है कि लोग एक बीमारी को ठीक करने के पीछे तीन बीमारियों से और गिर जाते हैं। क्यों? ये सब दवाइयों का प्रभाव है, उसका दुष्प्रभाव है। कोई भी रोग होता है तो सबसे पहले व्यक्ति आधुनिक चिकित्सा पद्धति में जाता है क्योंकि उसको तत्काल लाभ चाहिए। वहाँ ठीक नहीं होता तो आयुर्वेद में आता है, आयुर्वेद में ठीक नहीं होता फिर प्राकृतिक में आता है कि इसको भी देख लो। तो प्राकृतिक चिकित्सा में आते ही तो हम लोग उसको विश्राम करवाते हैं, भैया लेट जा, मिट्टी की पट्टी आधे घंटे की है। अब मिट्टी में इतने गुण हैं कि आपके पेट के अंदर जितना भी गलत टॉक्सिन है जो चिपका हुआ है बरसों से उसकी नमी से धीरे धीरे वो वहाँ से फैलेगा और हमारे आहार के प्रगति के आहार के हिसाब से वो इस शरीर से धीरे धीरे बाहर निकलेगा। जैसे जैसे बाहर निकलता जाएगा टॉक्सिन वैसे वैसे आपको आराम मिलता जाएगा। और टॉक्सिन इकट्ठा क्यों हुआ? अपनी गलत खान पान की वजह से। तो चिकित्सा आपको ये सिखाएगी कि आपको कब खाना, कितना खाना और कैसे खाना। कब खाना? भूख लगे तो खाओ, नहीं तो मत खाओ। कैसे खाना? चबा चबा के खाओ। कितना खाना? भूख से कम खाना। आपकी इच्छा है कि मैं तीन रोटी खाऊं? नहीं, आप ढाई में रह जाओ, बहुत आराम पाओगे। अब तीन के बजाय साढ़े तीन खाएंगे तो तकलीफ पाएंगे, पता नहीं में टाइम लगेगा। दूसरी बात ये कि जब तक हाथ तो लिया आपने लेकिन अगर उस टॉक्सिन को बाहर नहीं निकाला और मल का निष्कासन सही ढंग से नहीं हुआ तो वो बीमारियों का पिटारा है। तो चिकित्सा में हम आपको ये सिखाएंगे कि आपको आहार कैसा लेना है और अगर रोग आ गया तो उसका इलाज क्या है। 11 दिन का ये जो शिविर है, 11 दिन में आप लोगों से मेरा यही निवेदन है कि ज़्यादा से ज़्यादा हमसे लाभ लेने की कोशिश करें। अपने संपर्क में जो भी आदमी आता है उसको यही बोलो कि भैया वहाँ जाके दिखाओ, हमारे समझ में आएगा, उसी के हिसाब से हम आपको गाइड करेंगे। हम तो सिर्फ गाइड करने वाले हैं, करना तो आपको है। हम तो आपको लाइन बता देंगे कि आपको इस तरीके से इस बीमारी में ये इलाज हम सब लिख के देंगे, आपको आपका आहार लिख के देंगे, आपको एक्सरसाइज लिख के देंगे और जो भी कुछ करना है प्राकृतिक चिकित्सा के हिसाब से सब कुछ कागज़ पे लिख के प्रैक्टिकल करवाएंगे। और दूसरे रोज़ फिर आपको बुलाएंगे कि भैया किया कि नहीं किया, किया तो कितना फ़ायदा हुआ। तो मेरा यही पुनः निवेदन आप लोगों से कि ज़्यादा से ज़्यादा संख्या में आके इस शिविर का लाभ उठाने की कोशिश करें। धन्यवाद। Thank you.